और जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दोनों ट्रैक बहाल कर दिए गए, अब से इस ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इस दौरान वो भावुक भी हो गए और उन्होंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी अभी तक खत्म नहीं हुई। जिनके परिजन खो गए हैं उन्हें उनके परिवार से मिलवाया जाएगा। जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे, ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ। ट्रेन हादसे के बाद से अश्विनी वैष्णव लगातार मौके पर डटे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर रेलवे ट्रैक को वापस चालू कराने तक रेल मंत्री घटना स्थल पर मौजूद रहे और पूरे ऑपरेशन की निगरानी ग्राउंड जीरो पर रहकर की। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे की जांच सीबीआई की तरफ से की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हादसे की वजह को लेकर कई चीजें सामने आई हैं, जिसको देखते हुए आगे की जांच के लिए पूरे मामले को सीबीआई को देने का फैसला रेलवे बोर्ड ने किया है। उधर बालासोर रेल हादसे की जो वजह सामने आई है वो बेहद चौंका देने वाली है। अब तक हुई जांच के मुताबिक इस भीषण रेल हादसे के पीछे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव होना है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और इसकी रिपोर्ट भी जल्द विभाग को सौंपी जाएगी। तो वह इस हादसे की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया गया, जिसकी जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। रेल हादसे के पीछे किसी तरह की साजिश होने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद रेलवे बोर्ड की तरफ से मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। तो बालासोर में हुए रेल हादसे में अभी तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 108 शवों की पहचान कर ली गई और उन्हें उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। तो वहीं ओडिशा सरकार की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया, जिस पर फोन कर पीड़ित परिवार अपने रिश्तेदारों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये जो दो नंबर है 1800-345-0061 और एक नंबर है 1929, ये दोनों नेशनल टोल फ्री नंबर। साथ ही शवों को ले जाने के लिए फ्री एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, जबकि बड़ी संख्या में घायलों का इलाज चल रहा है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को रेल हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। मनसुख मांडविया विशेष विमान से भुवनेश्वर पहुंचे थे, जहां से वो कटक के अस्पताल गए और घायलों का हालचाल जाना। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। इसके बाद मनसुख मांडविया ने घायल लोगों के बेहतर इलाज को लेकर भुवनेश्वर एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर और अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर नामीबिया के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बालासोर रेल हादसे का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बालासोर में हुए दर्दनाक हादसे पर दुनिया भर के लोगों ने दुख जताया है, जो भारत के साथ दुनिया के जुड़ाव का एक प्रतीक है और ये उदाहरण है कि आज की दुनिया कितनी वैश्वीकृत हो चुकी है। दुनिया भर से बहुत लोगों ने और यहाँ के जो विदेश मंत्री जो हैं उन्होंने भी अपनी सॉलिडारिटी प्रकट की है, अपनी सिंपथी भेजी है। मुझे भी बहुत फॉरेन मिनिस्टर्स और बाकी जो दोस्त जो दुनिया में हैं उनका भी मैसेज आया है, प्रधानमंत्री जी को भी आया है। और ये एक उदाहरण है कि आज की दुनिया कितनी ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है कि और ये भी है कि दुनिया भारत के साथ कितनी जुड़ चुकी है कि हमारे यहाँ ऐसी दुर्घटना हुई और पूरी दुनिया को लगा कि हमें भी इस समय में भारत का साथ देना चाहिए।